चिंता करने वाला देश है। अब तो साइंस भी कहती है कि लॉजिक और मैथमेटिक्स ब्रेन की जिस सेल से एक्टिवेट होते हैं उसके लिए बेस्ट एटमॉस्फेयर इंडिया में है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं आपसे, स्कूलों में से मैथमेटिक्स हटा दीजिए। मैं एक सूचना आपको और दे दूं चलते चलते, अभी मैंने पहली क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक की हिंदी की किताब लिखी, तो कुछ ज्ञानियों ने मुझे कहा कि आपने 8 किताबें लिखी, इतनी मेहनत करी क्यों की, इससे तो आप कोई और किताब लिखते, रॉयल्टी में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए मिलते, इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, स्कूलों में भेजेंगे इनको। मैंने इसलिए वो किताबें तैयार की और इसलिए लिखी कि मैं किताब देख रहा था, बच्चे को कविता सिखाई जा रही थी, 10 साल की छोकरी लिए आम की टोकरी, हैव यू हर्ड दैट, देती नहीं आम है बताती नहीं दाम है। एक छोटे बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि लड़की को छोकरी कहा जाता है। एक बुढ़िया का फोटो था, उस पर लिखा था कि बुढ़िया दादी दिन भर बकबक करती, काम नहीं है कुछ भी करती, दादी आप क्या सिखा रहे हैं। फिर उसके बच्चे भी जिस दिन आपके लिए कहेंगे कि दादी दिन भर बकबक करती, फिर आप कहेंगे बच्चों को कुछ सिखाया नहीं है, क्योंकि आत्मा का इंटेक ही दूषित कर दिया। और मैंने इतनी रिसर्च की पहुंची, इतना ज्यादा मैंने शोध किया कि मैंने एक छोटी सी कविता लिखी कि गर्मी में टिंकू दादी के घर से बीज घिए का लाया, आंगन के कोने में उसने जाकर बीज दबाया, पूरे घर ने मिलकर उसको खाद और पानी पिलवाया। ऐसी मैंने कविता लिखी, रात को सोचे सोचते मैंने सोचा तो गलत लिख दिया, दादी कैसे लिख दिया, अगर टिंकू दादी के घर गर्मियों की छुट्टी में जा रहा है इसका मतलब दादी कहीं और रहती है और टिंकू मम्मी पापा के साथ कहीं और रहता है, ये तो गलत संदेश है। तो फिर मैंने उसको सही करवाया कि छुट्टी में नानी के घर से, क्योंकि नानी तो फिर भी मामा के साथ रह लेगी, दादी तो बाप के साथ रहनी चाहिए, अगर दादी बाप के साथ नहीं रहती फिर कैसा घर है। मुझे पता नहीं कितने स्कूल इसे स्वीकार करेंगे, कितनी जगह जाएगी, लेकिन मैंने उस प्रकाशक को कहा है कि मैं समाजशास्त्र की भी लिखूंगा, संस्कृत की भी लिखूंगा, इंग्लिश की भी लिखूंगा, आठवीं तक की तो लिख ही सकता हूं, और उसमें विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकों का परामर्श लिया कि क्या लिखा जाना चाहिए, क्या क्या इसमें चित्र बनने चाहिए, क्योंकि हमारे बचपन से ही हमारी जवानियां प्रभावित हैं और हमारी जवानियों से हमारे बुढ़ापे प्रभावित हैं। तो अगर बचपन में आपने बीज सही लगा दिया, सीड सही लगा दिया, युवक के अंदर सही लगा दिया, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।